हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित नायक। वेलकम टू स्मार्ट विद्यार्थी जीएस। तो आज गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करवा जोटा हूँ रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। ता पूर्व आम डिस्कशन करवा रामसर साइट्स क्या कहुए आउ रामसर ट्रीटी विषय जानवे। देन आम इंडिया में केतेटा रामसर साइट्स अच्छा 75 रामसर साइट जो अच्छा कौ स्टेट्रे के रामसर साइट अच्छी कौ स्टेट्रे कौ रामसर साइट अच्छा से गुड़ाक डिस्कशन करवा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु। एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट कहीं जिते भी एग्जाम आम एवं हो प्रति एग्जाम गोटे ना दुटा क्वेश्चन आदर देखा मिलेगी। आई होप सेसन आप हेल्पफुल हम जदि हेल्पफुल हो सेसन को लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ जब चैनल नुआ अच्छा देन चैनल टी सब्सक्राइब करें। तो डेरी न करके आज क्लास डिस्कशन स्टार्ट करवा। तो आमर 2022 गोटे न्यूज आसला अगस्त 15। तो अगस्त 15 कौन होता ना आमर 11 नुआ रामसर साइट डिक्लेयर कराई वेटलैंड ठीक अच्छे। तो ताकु मिसेक आमर इंडिया रे टोटल उपर 75 टा वेटलैंड कौन होता ना रामसर साइट रूप से अंतर्भुक्त होता परिगणित होता ठीक अच्छे। तो रामसर साइट हूँ कौन ना आमर जो रामसर कन्वेनसन होता ईरान ने 1971 होता से ना पूर्व जो वेटलैंड गुड़ाक वेस्ट बा डंपयार्ड हिसाब से यूज कराला तार साइंटिफिक वैल्यू बा नेचर प्रति तार अवदान को देखिक नेचर प्रति जो तार कंट्रीब्यूशन था तार इम्पोर्टेन्स को देखिक कौन है कंजर्व करने चेष्टा कराला से यूनेस्को कौन कर 1971 ईरान थारे कौन होता ना ईरान रामसर थारे गोटे कन्वेनसन आरेज करता जो कि आमर कौन होता ना ये वेटलैंड गुड़ाक कंजर्व करने आम ट्रीटी साइन होता ठीक अच्छे। तो यहाँ आमर 1971 स्टार्ट होता बा ट्रीटी सिग्नेचर होता कि इम्प्लीमेंटेसन के 1975 डिसेम्बर मसरू इम्प्लीमेंटेसन होता ठीक अच्छे। तो देख ए रामसर साइट ए वेटलैंड एरिया दैट हाज बीन रिकग्नाइज आर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता के रामसर कन्वेनसन के 1971 क्लीयर। तो कन्वेनसन होता 1971 कौटी ईरान रामसर थे आम इम्प्लीमेंट के 1975 ठार इम्प्लीमेंट होता। तो पर्टिकुलर डेट हूँ के 2 फेब्रुआरी 1971 रामसर ट्रीटी सिग्नेचर होता ठीक अच्छे। तो कार्य केबे थरु करिबा स्टार्ट करथला ना हमरो 1975 डिसेंबर मासरु कोन हेतला ना त वर्कआउट करथला बा फंक्शन करथला के रामसर ट्रीटी ठीक। तो आज पर्यंत हमरो रामसर ट्रीटी जो सिग्नेचर हेजी ताधर हमरो टोटल 170 कंट्री कोन करचने ना भाग नै जने आउ हमरो टोटल उपर 2471 रामसर साइट्स टोटल वर्ल्ड वाइड कौन हो डिक्लेयर हो सारा क्लीयर। तापर आम देखा कौन एरिया को कवर कर वेटलैंड गुड़ाक 25,61,92,602 हेक्टर्स एरिया सरफेस एरिया को ये लैंड आम कौन रामसर साइट वर्ल्ड वाइड रे कवर करके रखी केतटा कंट्री 170 कंट्रीज 2,471 टोटल रामसर साइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड ता भितर 75 टा आमर अच्छे कौथे इंडिया रे अच्छा जोटा के आम आगे डिस्कसन करवा। टोटल एरिया केवर कर 25,61,92,602 हेक्टर्स ऑफ एरिया वर्ल्ड वाइड कवर कर रामसर साइट क्लियर। देन देखिवा बिटवीन 2014 एंड 2022 इंडिया इनक्रीज इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय एडिंग 49 वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। 2014-2022 भितरे इंडिया कौन करछि ना 49 टा रामसर साइट को कौन करछि ना ऐड करछि। ता पूर्वरु केतेटा थिला ओबियसली 26 टा रामसर साइट थिला केबे थारु ना 1982 रु 2013 भितरे हमर इंडिया रे टोटल उपरे 26 टा रामसर साइट थिला किंतु 2014-2022 भितरे बा 8 इयर्स भितरे इंडिया टोटल उपरे वेटलैंड गुड़ा को कंजर्व करके 49 टा नुआ रामसर साइट कौन कर क्रिएट कर क्लियर। तो नेक्स्ट हूँ कौन ना टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स ऑफ इंडिया हूँ 75 केते एरिया कवर कर 13 लाख हेक्टर
सरफेस एरिया को कवर करछि इंडिया रा टोटल लैंड मास रो 13 लाख हेक्टर सरफेस एरिया केवल रामसर साइट अंडर रे आछन्थि देन तो एटा को हम ले कहि परबा केते 15.26 मिलियन हेक्टर्स टोटल लैंड मास रो पाखा पाखी 4.63% एरिया होछि हमर कोन ना रामसर साइट अंडर रे आछि का अंडर रे आछि रामसर साइट अंडर रे आछि केते एरिया आछि 4.63% 4.63% एरिया कार टोटल लैंड मास इंडिया रो क्लियर आई होप आ भीतर किछ डाउट नथिबो जदि डाउट रहउछि देन कमेंट सेक्शन निश्चित रूप रे कमेंट करि पारन देन नेक्स्ट आगु को बढ़िबा तो कौनसी वेटलैंड को रामसर साइट करिया गले टोटल ऊपर हमर 9टा क्राइटेरिया स्थिर करा जाय छी कोठी ना हमर रामसर कन्वेंशन जो 1971 नेइतला तो से 9टा क्राइटेरिया भितरु कौनसी वेटलैंड जदि गोटिए क्राइटेरिया को फुलफिल करू छी देन ताको हमर रामसर साइट हिसाब रे कोन करछन ना घोषणा करछन तो सेठी कोन लिखला इफ ए वेटलैंड फुलफिल्स एनी वन ऑफ द 9 क्राइटेरिया मेंशन अंडर द कन्वेंशन then it can be declared as Ramsar sites clear to ta purburu am first discussion kar daba what are wetlands and why are they important wetland kaha ku kaha jae au wetland guda ko kon pai important nature drushti ru ba amara day to day life ro wetland ra functions kon kemiti se manav samaj help korchan ठीक अछि तो जनरली वेटलैंड गुडा कहू छी कोन ना स्थल भाग जोटा कि वर्षर मैक्सिमम पार्ट बा मैक्सिमम टाइम रे सीजनल हो बा टोटल वर्ष सारा तार किछि पार्ट कोन हो छी वाटर द्वारा कवर हेकि रहू छी बा पानी द्वारा कोन हो छी कवर हेकि रहू छी से गुडा को हम कोन कहू छन वेटलैंड कहू छन आ ए जो वेटलैंड रो मुख्य सोर्स रहला से मे बी ग्राउंड वाटर हे परबो केते को दरार कोन हो छी ना पॉन्ड वाटर्स बा हमर रिवर वाटर भी तार वाटर सोर्स बा तार सोर्स ऑफ वाटर हे परबो कार वेटलैंड आ केतरा जगह रे जोटी अधिका परिमाण रे कोन होची ना जुवार आसे सेठी जुवार पानी बा सी वाटर भी हमर कोन होची वेटलैंड रो मुख्य वाटर सोर्स रूप रे कार्य करूची क्लियर तो इट इज लिखा है जी कोन ना ग्राउंड वाटर भी हे परबो आ कोन होची ना बट सम टाइम्स द सोर्स कैन आल्सो बी रिवर और ए पॉन्ड देन आसे कोन ना स्ट्रांग टाइड्स स्ट्रांग टाइड मन जोडी जुवार अधिक परिमाण रे आछि त सेठी भी हमर कोन हे परबो ना वेटलैंड फॉर्मेशन हे परबो त एठी लेखा जे कोन डेफिनेशन हिसाब देखले ए वेटलैंड इज ए प्लेस इन व्हिच द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर सॉल्ट फ्रेश और समवेयर इन बिटवीन आइदर सीजनली और परमानेंटली त केतेटा समय वर्ष सारा हो किंबा वर्षर अधिकांश समय रो जदी कोन होची ना हमर कौनसी गोटे बा स्थल भाग कौनसी गोटे अंश कौन ना वर्षर आंशिक समय बा वर्षर मैक्सिमम टाइम बा वर्ष सारा पानी भितर बुड़ी रोचे आम कौन कह वेटलैंड अंडर में आसो बा वेटलैंड कहीपर क्लियर किंतु सब जाक वेटलैंड आम कौन कहते ना रामसर साइट अंतर्भुक्त हो पारे रामसर साइट रे अंतर्भुक्त हवाक हेल्ले वेटलैंड गुडा को हम कौन हवा पड़ो नौटा कंडीशन बा क्राइटेरिया दिया है से नौटा क्राइटेरिया रु गोटे क्राइटेरिया को एटलीस्ट फुलफिल करबा को पड़ो क्लियर तो प्रीवियसली जत वेटलैंड गुडा कर वैल्यू बा इंपोर्टेंस जाना नथला सेत बेले जनरली वेटलैंड गुडा को आम डंपिंग यार्ड्स हिसाब से यूज करथले बा आउ केतेटा वेटलैंड रु वाटर को कलेक्शन करिकि बा पानी की कलेक्शन करिकि ताको बिल्डिंग तयारी रे भी कोन करा होतला ना व्यवहार तो करा होतला तो 18 सेंचुरी कोन गोटे डाटा अनुसार बा रिपोर्ट अनुसार 18 सेंचुरी रो मध्यभाग बेळो को अमेरिका आ अन्यना देश रे प्रायतः 50% वेटलैंड बा 50% रो अधिक वेटलैंड को डिस्ट्रॉय कर दियाथला कोन पे ना डेवलपमेंट करिया पे बा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ठीक द पीपल यूज्ड टू ट्रीट वेटलैंड एरियाज लाइक डंपिंग ग्राउंड्स आउ केतरा जगह कोन होतला ना देखो ताको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट रे भी यूज करतले वेटलैंड रु वाटर कलेक्शन करिके ताको कोन करतले से पानी को व्यवहार करा होतला कोतरे ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करिवारे ठीक तो एज पर द डाटा मोर देन हाफ ऑफ द
वेटलैंड इन द यूएसए वेयर डिस्ट्रॉयड इन 18th सेंचुरी फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो जो कथा मुझे डिस्कसन करी जे 18th सेंचुरी रो अधा बेलू कौन होता ना अधा रु अधिक वेटलैंड को यूएस रे कौन कर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता डेवलपमेंटल पर्पस। तापर आमर कौन आसले ना साइंटिस्ट आसले साइंटिस्ट एग्जामिन करले एग्जामिन करी कौन कर रिपोर्ट दोचन ना वेटलैंड गुडा को आम एनवायरमेंट पे निहाती दरकार बा तांकर इंपोर्टेंस बहुत अधिक तो तेणु करी ताको कंजर्व करबा आवश्यक। क्लियर काहे की आवश्यक तो कौन पे इंपोर्टेंट तो वेटलैंड्स प्रोवाइड हैबिटेट टू फिशेस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। वेटलैंड कौन कहते ना हैबिटेट बा गोटे रहिया पे जगह प्रोवाइड करछन कहा को प्रोवाइड करछन डिफरेंट फिशेस मानको माछ मानको रेप्टाइल्स रहले सरीसृप रहले आ बर्ड्स मानको बा अदर क्रिएचर मानको रहिया पे स्थान जोगोछन खाइबा पे खाद्य आ पीबा पे पानी भी कोन करछन ना जोगोछन। क्लियर तो ता भीतर के आसले डियर आसला एल्क आसला बियर्स आसला जो मानको खाद्य पानी कोन करछन ना वेटलैंड गुडा देखछन तापर जोगोछन आ कोन होछ ना माइग्रेटरी बर्ड्स जो माने रहिले सेमानक भी ए वेटलैंड गुडाक कौन करछी खाद्य पानी जोगाउछ। क्लियर तेणुकरी एगुडाक कौन हो गले ना इम्पोर्टेंट हो गले। देन आउ कौन इम्पोर्टेंस रही वेटलैंड ना वेटलैंड गुडाक तुमर वाटर प्यूरीफायर हिसाब से कार्य करते क्या हिसाब से कार्य करते वाटर प्यूरीफायर हिसाब से कार्य करते एगुडाक होचने नेचुरल वाटर प्यूरीफायर दिज अल्सो आक्ट एज नेचुरल वाटर प्यूरीफायर्स एंड पॉल्यूशन अब्जर्वर्स। ये वेटलैंड गुडाक पॉल्यूशन अब्जर्वर्स हेबा सहित नेचुरल वाटर प्यूरीफायर मध्ये अटर। क्लियर नेक्स्ट कौन अच्छे देख आउ एमाने जो समुद्र जो जुआर आसुछि जो क्षय क्षति होछि ताधरु भी टाइडल इंपैक्ट रु भी आमर कौन करन ना समुद्र कूलवर्ती अंचल को रक्षा करन। वेटलैंड्स आर हेल्पफुल इन फ्लड कंट्रोल एंड कोस्टल वेटलैंड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग कोस्टल स्टॉर्म डैमेजेस। तो जो कोस्टल स्टॉर्म डैमेजेस होती ताधर भी आम कौन करती ना रक्षा करती तार प्रभाव इंपैक्ट कमेबार हेल्प करे किए वेटलैंड गुड़ाक तेणुक वेटलैंड आम कौन हो ना मानव समाज मानव आम ह्यूमन इम्पोर्टेंट नेचर भी इम्पोर्टेंट आउ कौन करे ना वेटलैंड ना सरफेस जो वाटर रहा तार पल्यूशन टाक भी सी कौन कर कमे दिए। ठीक एथसत आउ एक्सट्रा गोटे जिनस कौन कर सॉइल एरोशन को भी से कौन कर हेल्प करना कमेबारे हेल्प कर ठीक अच्छे। देन आसले कौन ना बक्स आसले फेन्स आसले मार्सेस आउ स्वाम्स रहा जो गुड़ाक कौन होबजर्व अब्जर्व करनी क्या ना व्टर आंड रिड्यूस द टाइडल इंपैक्ट एगुडा व्टर को अब्जर्व करने सहित टाइडल इंपैक्ट को रिड्यूस करता सहित एंड अल्सो हेल्प्स इन रिड्यूस ऑफ सॉइल एरेसन मृतिका क्षय को भी प्रिभेन्ट करते किए बॉक्स फेन्स मार्सेस आउ स्वाम्स गुड़ाक। क्लियर एथपाइंका भी ये गोटे कौन कर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर आमर नेचर कंजर्वेशन। तो एबे आम डिस्कसन करवा कौन ना आमर जो 75 रामसर साइट्स अच्छा बा वेटलैंड को आमर इंडिया सरकार बा इंडियन सरकार कौन कर डिक्लेयर करते ना रामसर साइट हिसाब से तो कौ स्टेट केतेटा आमर रामसर साइट्स प्रेजेंट अच्छा से गुड़ाक आम डिस्कसन करवा आ इम्पोर्टेंस कौन से गुड़ाक भी देखिकी जीवा। क्लियर तो फास्ट आम जम्मू एंड काश्मीर स्टार्ट करवा तो जम्मू काश्मीर आउ लद्दाख रीजन में टोटाल उपर आम 7 कौन अच्छा ना अच्छी कौन रामसर साइट्स प्रेजेंट अच्छा जो देखिए 5 आम अच्छी जम्मू काश्मीर में 2 अच्छी लद्दाख में तो देर आर टोटाल ए टोटाल ऑफ 7 रामसर साइट्स इन जम्मू एंड काश्मीर एंड लद्दाख रीजन तुम के 5 अच्छे जम्मू काश्मीर रीजन में आउ 2 अच्छी लद्दाख रीजन। ठीक तो देख तो ये आम जम्मू काश्मीर कौगुड़ा कौगुड़ा रहा जम्मू काश्मीर रहा कुल्लूर लेक आसला होकेरा वेटलैंड आसला हाइगाम वेटलैंड आसला कंजर्वेशन रिजर्व सालबाग वेटलैंड सॉरी हाइगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व तापर आसुछि कौन ना सालबाग वेटलैंड देन आसुछि सुरिनसर मानसर लेक सुरिनसर मानसर लेक एटार ये जो सुरिनसर मानसर लेक अच्छी कि नहीं आर आम कौन अच्छे ना हिंदू धर्म रे बहुत इम्पोर्टेंस रही है से कथा भी आम डिस्कसन कर
ତାପରେ ଲଦାଖରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ସୋକାର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ସୋ ମରିନ୍ ଲେକ୍ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ରାମସର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଛି ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଉଛି 5ଟା ଲଦାଖରେ ହେଉଛି 2ଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଟା ସୁରିନ୍ ସାର୍ ମାନସର ଲେକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଦେଖିବା ହାଇଗାମ୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ ରିଜର୍ଭ ଆଉ ସାଲବର୍ଗ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ସାଲବର୍ଗ ଆଟ୍ ହାଇଗାମ୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ ରିଜର୍ଭ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ନର୍ଦର୍ନ ଶ୍ରୀନଗର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନର୍ଦର୍ନ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଆଜ୍ ରାମସର ସାଇଟ୍ ଇନ୍ 2022 ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା ହାଇଗାମ୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ ରିଜର୍ଭ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ସାଲବର୍ଗ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା 2022ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଥିଲା କେଉଁ ହିସାବରେ ରାମସର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଥିଲା କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖ ଟକିଂ ଏବାଉଟ୍ ସୁରିନ୍ ସାର୍ ମାନସର ଲେକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ 62 କିଲୋମିଟର ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଜାମ୍ମୁ ସିଟି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସିଟିରୁ ବା ଜାମ୍ମୁ ସିଟିରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି 62 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଉଟା ଆମର ସୁରିନ୍ ସାର୍ ମାନସର ଲେକ୍ ତ ତାର ଗୋଟେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି କାହିଁକି ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଦେଖ ତ ଅର୍ଜୁନର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ନା ବବ୍ରୁବାହନ ବବ୍ରୁବାହନ ତ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଇଏ ଅନୁସାରେ ବା କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବବ୍ରୁବାହନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସର ଚଲେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ସୁରିନ୍ ସାର୍ ଲେକ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଆଉ ତା ଚାରିପଟରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସୁରିନ୍ ସାର୍ ଲେକ୍ ରହିଲା ବା ସୁରିନ୍ ସାର୍ ଲେକ୍ ରହିଲା ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଆମର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କଇଁଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ବାର୍ଡସ୍ ଆଉ ସ୍ନେକ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇକି ରହୁଛି ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ରିଲିଜିଅନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାଛ ମାରିବା ବା ଫିସିଂଟା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ କରାହେଇଛି ବା ମାଛଙ୍କୁ ଏଠି ମରାଯାଏ ନାହିଁ କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ଶ୍ରୀନଗରରୁ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କିଏ ଅଛି ହୋକେର ସାର୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ବି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାମସର ସାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆସିବ କୋଉଟା ହୋକେର ସାର୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ତ ହୋକେର ସାର୍ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ହୋକେର ସାର୍ ୱାଟର ୱଲ୍ଫ ଦେଖାନ୍ତି ୱାଟର ଫାଉଲ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସୋର୍ ବାର୍ଡସ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଲୟାନ୍ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ବି ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଉଲୁର ଲେକ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉଟା ଉଲୁର ଲେକ୍ ଠିକ ତ ସିଏ ବି ସେଇ ଆମର କୋଉଠି ଆସୁଛି ନା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଭିତରେ ଆସୁଛି ଉଲୁର ଲେକ୍ ହଉଛି କ'ଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ କାହାର ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଫିସେସ୍ ମିଳନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଭେଜିଟେସନ୍ ପ୍ରବଳ ଯୋଉଥିରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପରିମାଣର କ'ଣ କରେ ନା ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ କରେ କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ଆସିବା କୋଉଠିକି ନା ଆମର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର 3ଟା ରାମସର ସାଇଟ୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ଅଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 3ଟା ଅଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ ରିଜନରେ ଆମର କେତେଟା ଆସିଲା ନା ଆମର ଟୋଟାଲ 7ଟା ଆସିଲା ଜାମ୍ମୁରେ ଆସିଲା 5ଟା ଲଦାଖରେ ଆସିଲେ 2ଟା ଦେନ୍ ଆମର ଦେଖିବା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର 3ଟା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା କୋଉଟା ନା ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଲ ଲେକ୍ କୋଉଟା ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଲ ଲେକ୍ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଲ ଲେକ୍ କୁ ଆମେ କେବେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଥିଲେ ନା ରାମସର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ନଭେମ୍ବର 8, 2005ରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କେବେ ନଭେମ୍ବର 8, 2005ରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ରାମସର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଲ ଲେକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଟୁରିଜିମ୍ ସାଇଟ୍ ଠିକ ଆଉ ଆଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ ନା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୋଉଟା ନା ରଡି ସେଲଡକ୍ ବାର୍ଡ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ତମେ ପାଇପାରିବ କୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ରା ତାଲ ଲେକ୍ରେ
देन आमर नेक्स्ट जो रामसर साइट होछि सेटा होछि कोन कोंडम लेक जोटा की आमर आल्सो नोन एज महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप सागर नाम रे भी हमें देखो जानथन कोटा को पोंगडम लेक तो पोंगडम लेक अगेन कोठी अछि हमर हिमाचल प्रदेश रे अछि देन पोंगडम लेक पर हमर के कोटा अछि ना रेणुका लेक जोटा की एटा भी अगेन हिंदू माइथोलॉजी अनुसार बा हिंदू धर्म अनुसार आर भी महत्व बहुत अधिक काहे कि ना एटा को हमें जानिजनि कोन ना भगवान विष्णु कर जो अवतार रहितले परशुराम अवतार तांकर जन्मस्थली हिसाब रे कोन करा जाय ना रेणुका लेक तेणु ये भी हिंदू माइथोलॉजी अनुसार इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे कहार बार्थ प्लेस कहार प्रभु परशुराम देन नेक्स्ट कौन अच्छे देख तो ये दीटा रहा गोटे रहा कौन ना पोंगडम लेक रहा जोटा को कौन महाराणा प्रताप सागर ताकू 2002 रे आम कौन करते रामसर साइट अंतर्भुक्त होता आ रेणुका लेक जोटा कि 2005 रे आम कौन होता रामसर साइट रो अंतर्भुक्त करा जायतला डब क्लियर देन हमर कोड के आसीबा उत्तराखंड को आसीबा तो उत्तर उत्तराखंड रे हमर कोन अछि आसन कंजर्वेशन रिजर्व अछि जोटा कि हमर आसन रिवर रो गोटे कोन होछि ना पार्ट अटे ठीक तो एटा हमर गोटे वेट वेट सॉरी वेटलैंड को रामसर साइट कहार उत्तराखंड रो ठीक तो ये जो रामसर साइट रहिला कोटा आसन कंजर्वेशन रिजर्व रहिला सेटा हमर 444 सेक्टर कोन होची ना एरिया रे कवर करची जोटा कि डेराडून ने अछि बा डेराडून ने लोकेटेड आ गोटे पार्ट कार आसन रिवर रो गोटे पार्ट केते एरिया कवर करची 444 सेक्टर अवस्थित कोची डेराडून ने आ आसन रिवर रो गोटे पार्ट पाखा पेखी हमर केतेटा स्पेशलाइज टू से ये करची ना रम्ड वल्चर रहले आ गोटे कौन रहला बेयर्स पोचार्ड रहले एगुडा कहछन कौन एंडेंजर्ड स्पेसीज तो 330 प्रजाति सहित ए तीनटा एंडेंजर्ड स्पेसीज बा हम जो विलुप्त प्राय रहले ताकू भी ये कौन करछ ना शेल्टर प्रोवाइड करूछ देन आसी के पंजाब स्टेट आछ तो पंजाब रे हमर केतेटा रामसर साइट प्रेजेंट आछ ना पंजाब रे 6 रामसर साइट्स प्रेजेंट आछन बा 6टा हमर कौन आछ रामसर साइट अच्छी कौटी आम पंजाब देखा कौन कौन छा अच्छा तो फास्ट हूँ कौन केशरपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व एटा पंजाब रे अच्छी ये भी गोटे रामसर साइट हारिके वेटलैंड अच्छी बीच कंजर्वेशन रिजर्व कांजली वेटलैंड रोपार वेटलैंड आउ गोटे हूँ कौन ना नंगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी ये छटा कौन हूँ ना आम रामसर साइट कौट प्रेजेंट अच्छा पंजाब रे प्रेजेंट अच्छा देन ये जो हारिके वेटलैंड टा रहा ये कौन हूँ ना गोटे इम्पोर्टाट कौन इम्पोर्टाट ना 2003 रे आम कौन हूँ ये जो हारिके वेटलैंड टा को हमर 2003 रे जो वर्ल्ड वेटलैंड डे हमर कोन हेतला ना सेलिब्रेशन हेतला फेब्रुअरी 2 रे सेटा हमर सेलिब्रेशन हेतला कोठी ना पंजाब रो हारिके वेटलैंड रे सेलिब्रेशन हेतला तेणु करी एटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेइ परबो तमे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर तो वर्ल्ड वेटलैंड डे केबे हमर ये होची वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे हमर केबे पालन करा जे ना फेब्रुअरी 2 रे पालन करा जाय केबे पालन करा जाय फेब्रुअरी 2 रे आ हारिके वेटलैंड जो ये इतला पंजाब रे अछि सेठी हमर 2003 मसिया रे एटा ऑब्जर्व करा जाय क्लियर
ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଝାଝରରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଭିଣ୍ଡି ୱାସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି। ତ ଭିଣ୍ଡି ୱାସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀକୁ ଆମେ 2009 3 ଜୁନ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଭାରତ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା କେଉଁଥିରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଆମର ଭିଣ୍ଡି ୱାସ୍ଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସାଞ୍ଚୁରୀ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 3 ଜୁନ୍ 2009 ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା, ଆଉ ରାମସର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ 25 ମେ 2021 ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ଭିଣ୍ଡି ୱାସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ କେବେ ନା 2021 ରାମସର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଜୁନ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 3 ଜୁନ୍ 2009 ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ହିସାବରେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ନା ସୁଲତାନପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପଡିବ କାହା ଭିତରେ ଗୁରୁଗାଁ ଆଉ ଝାଝର ଭିତରେ ପଡିବ, ଠିକ ଲୋକେଟ କାହା ଭିତରେ ନିୟର ହାଇୱେ, କାହା କୋଉ ହାଇୱେ ନା ଗୁରୁଗାଁ ଆଉ ଝାଝର ହାଇୱେ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଲତାନପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟା ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲାଏ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପାଖାପାଖି 142.52 ହେକ୍ଟର୍ସ 142.52 ହେକ୍ଟର୍ସ ଏରିଆକୁ କଭର କରେ। କେତେ ଏରିଆକୁ କଭର କରୁଛି? 142.52 ହେକ୍ଟର୍କୁ କଭର କରୁଛି ଏରିଆକୁ, ଠିକ। ତ ମୋର ଦେନ୍ 100 ଏଇ ଏତିକି ଏରିଆକୁ କଭର କରିବା ସହିତ ସେ ମୋର ଦେନ୍ 100 ବାର୍ଡ ସ୍ପେସିଜକୁ ବା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ସେଲ୍ଟର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଓବିଏସଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, କିଏ ନା ଆମର ସୁଲତାନପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, କ୍ଲିୟର। ତ ଦେଖ ସୁଲତାନପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏରିଆ ହଉଛି କେତେ 142.52 ହେକ୍ଟର। ଦେନ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ରିପିଟ ହେଇଯାଇଛି, ସୁଲତାନପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ ସେଲ୍ଟର୍ସ ଟୁ ମୋର ଦେନ୍ 100 ବାର୍ ସ୍ପେସାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆନିମଲ ସ୍ପେସାଇଜେସ। ଦେନ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବା, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଭରତପୁର ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏବେ କେୱଲ ଦେଓ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଜଣାଯାଉଛି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ କେୱଲ ଦେଓ ବା କେଓଲା ଦେଓ ଯାହା ବି ହଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହିସାବରେ କାହାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭରତପୁର ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀଟାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ବାର୍ଡ ବ୍ରିଡିଂ ଆଉ ବାର୍ଡ ଫିଡିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିସାବରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଟାକୁ ନା ଭରତପୁର ବାର୍ଡ ସାଙ୍କ୍ଚୁରିଟାକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବାର୍ଡ ବ୍ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଡ ଫିଡିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିସାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ବା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କାହାକୁ ଭରତପୁର ବାର୍ଡ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ, କ୍ଲିୟର। ଦେନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନା 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 1982 ଭରତପୁର ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିକମ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା, କାହାକୁ ଭରତପୁର ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀକୁ କେବେ 1982 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା କେବେ 1982 ମାର୍ଚ୍ଚ 10, ଠିକ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ସାଇଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ରାମସର ସାଇଟ୍ସ। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ସାଇଟ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାମସର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟା ସାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଭରତପୁର ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କି ଚିଲିକା, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ 1981 ଇଣ୍ଡିଆର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାମସର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର ଲେକ୍ ଅଛି, ସମ୍ବର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଲାଇନ୍ ଲେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ମୋଷ୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନ ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାର ସବୁଠାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟ କୋଉଠୁ ହଉଛି ନା ସମ୍ବର ଲେକ୍ରୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମର ରାମସର ସାଇଟ୍, କାହାର ନା ଇଣ୍ଡିଆର, କ୍ଲିୟର। ତ ସେଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ରହିଲା ବା ସମ୍ବର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସଲ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଉ ସମ୍ବର ସଲ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ବାର୍ଷିକ 1,96,000 ଟନ୍ସ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତି, କେତେ 1,96,000 ଟନ୍
सल्ट प्रोडक्शन कोड हूँ किए प्रोडक्शन कर हिंदुस्तान सल्ट लिमिटेड आउ संबर सल्ट लिमिटेड क्लीयर। ता सहित ये सल्ट लेक रहा से कौन कर नॉर्थ एशिया माइग्रेटरी बर्ड्स आउ राजहंस बोली बर्ड को कौन कर सेल्टर भी प्रोवाइड करे कौटा आम संबर सल्ट लेकटा क्लीयर। तो देख हिंदुस्तान सल्ट लिमिटेड आउ आम संबर सल्ट लिमिटेड जो रहा 1,96,000 टन कौन कर डिस्कसन करके नॉर्थ एशिया माइग्रेटरी बर्ड्स आउ राजहंस कौन होती ना आम सेल्टर भी प्रोवाइड कर जो माइग्रेटरी बर्ड्स अच्छा ये कौन करती ना रेस्ट नापी भी रही था क्लीयर। देन आस अहमदाबाद रु 64 किलोमीटर दूर किए अच्छी नल सरोवर वेटलैंड अच्छी जोटा कि गुजरात रे प्रेजेंट अच्छी ठीक अच्छे। तो लार्जेस्ट वेटलैंड वेटलैंड बार्ड सैंचुरी कौटा आम नल सरोवर बार्ड सैंचुरी जो रहा से लार्जेस्ट वेटलैंड बार्ड सैंचुरी हिसाब से कौन अच्छी ना प्रेजेंट बा जना जाए कौटा आम नलबर्न सरी नल सरोवर वेटलैंड ठीक। तो जोटा कि अहमदाबाद र सनंद विलेज रे अछि कोडि अछि सनंद विलेज रे अवस्थित। देन आउ दीटा अछि कोन ना गोटे अछि मयसना डिस्ट्रिक्ट रे काडी विलेज रे हमर गोटे अछि कोन ना थोल लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी जोटा कि बिल्ड हेतला केबे 1912 आज आ इरिगेशन टैंक इरिगेशन टैंक बा जलसेचन पाए हमर कोन उठला ना बिल करा हेतला 1912 एटा गोटे आर्टिफिशियल लेक आर्टिफिशियल लेक आर्टिफिशियल माने मैनमेड लेक जोटा कि हमर कोन करा होची ना तैयारी तो करा हेतला कोन इरिगेशन प्रपोज रे 1912 रे किंतु एबे से 150 रु भी अधिका बर्ड्स को बा पक्षी प्रजाति को कोन कहची ना शेल्टर प्रोवाइड करूची आउ ता भितर जो 150 बर्ड स्पीसीज भितर 60% रो अधिका बर्ड होचन वेट बर्ड गुडा बा वेटलैंड एरिया रे जो बर्ड बंचन ठीक अछ। ता भितर आउ के अछन ना स्टॉर्क अछन इप्स अछन टर्न अछ आउ स्पॉन भी एगुडा को होचन कोन ना मुख्य प्रजाति जोटा कि हमरो देखा जांदे एटे कोठी देखा होचन ना वाधवाना बर्ड सेंचुरी रे देखा होचन जोटा कि एगेन गुजरात रे अच्छी। देन आम जीवा कौटी खिजिड़िया बैट सेंचुरी पाक खिजिड़िया बैट सेंचुरी बार्ड सेंचुरी जोटा रहा सेटा भी आम एगेन कौट अच्छे ना गुजरात रे अच्छे लोकेटेड आट जमनगर खिजिड़िया बार्ड सेंचुरी वाज डेजिग्नेटेड आज द रामसर साइट्स ऑन लास्ट इयर्स वर्ल्ड वेटलैंड डे ता मानो हो जी कोन 2022 रे केबे फेब्रुवारी 2 रे कोन हेतला ना एटा हमरो रामसर साइड हिसाब रे कोन करा हेतला ना कोन घोषणा करा हेतला अपर रामसर साइड घोषणा करा हेतला का खिचिडिया बर्ड सेंचुरी के एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे परिवो काहे ना रिसेंटली ऐड करा हे क्लियर। देन आम पळेबा कोठी की मध्य प्रदेश को पळेबा तो मध्य प्रदेश रे हमरो पाखाबेकी केतडा अछि पाखाबेकी हो जी चारिटा अमर कोन अछि ना वेटलैंड प्रेजेंट अछि कोठि मध्य प्रदेश रे कोन कोन चारिटा वेटलैंड प्रेजेंट अछि देखो गोटे अछि साक्ष्य सागर लेक अछि आ गोटे अछि भोज लेक सिपुर लेक आ यशवंत सागर वेटलैंड ए चारिटा अमर कोन अछि ना रामसर साइट अमर प्रेजेंट अछि कोठि ना मध्य प्रदेश रे प्रेजेंट अछि तापरे ए जो साक्ष्य सागर लेक टा रहिला एटा भी गोटे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करछु द ने काहे कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करछु ना आमर जो साक्ष्य सागर रहिला साइट रहिला वेटलैंड साइट रहिला सेटा को इंक्लूड करा आइ छी कोथरे ना इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल तार कैम्ब्रिज मुंबई रो क्लियर। सेथि पाइका एटा गोटे कोन ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करछि बा इम्पोर्टेंट साइट हि जोछि तार रामसर साइट हि कोटा साक्ष्य सागर वेटलैंड बा लेक क्लियर।
महाराष्ट्र रे हमर अछि केतेटा ना दीटा अछि महाराष्ट्र रे अछि गोटे लोनार लेक गोटे मिनिट आ बेसी तळ कोइला महाराष्ट्र रे की अछि गोटे लोनार लेक अछि जोटा कि लोनार रे अवस्थित आ गोटे अछि के नासिक डिस्ट्रिक्ट रे अछि के नंदूर मध्यमसोर बार्ड सेंचुरी जोटा कि हमर नासिक डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित ए दीटा होछन कोन ना महाराष्ट्र रे रामसर साइड जो रहिले तो ए दीटा हमर प्रेजेंट अछन ठीक This lake provides homes to 160 birds. O lake, the Lonar lake, the our 160 bird projecting को कौन कर चुकी ना shelter provide कर चुकी 46 reptile भी शेटी देखा जाने 46 प्रकार का सरीसृप आउ 12 प्रकार का mammals भी देखा जाने कोटी Lonar lake पाखरे clear then गोवा को जीवा गोवा रे हमर गोटी अछि कोन ना रामसर साइड त ना होछि नंदा लेक ठीक तो गोवा रे की अछि ना हमर गोटे रामसर साइट रहला जा ना होछि नंदाले काकोरा तरे प्रेजेंट अछि गोवा हैज बिकम फर्स्ट रामसर साइट इन गोवा ऑन जून 8 2022 तो गोवा रे ई जो रामसर साइट जो गोटे अछि आकु जून 8 2022 रे जो नंदा लेक टा को कोन कराइतला ना रामसर साइट हिसाब रे घोषणा करा जाइतला क्लियर गोवा परे हम देखिया कर्नाटक कर्नाटक रे हमर कोन अछि ना रामसर साइट अछि द रंगना टिटू बार्ड सेंचुरी इन श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम रे हमर की अछि रंगना टिटू बार्ड सेंचुरी जोटा कि हमर कर्नाटक स्टेट रे अवस्थित ये गोटे एकमात्र रामसर साइट कहार कर्नाटक रे त कर्नाटक रे गोटे मात्र रामसर साइट होछि कि ना रंगना टिटू बार्ड सेंचुरी जोटा कि हमर श्रीरंगपट्टनम रे अवस्थित क्लियर तापर जीवा केरला केरला रे हमर अछि केतेटा ना तीनटा रामसर साइट अछि कोन कोन तीनटा रामसर साइट अछि देखो देवनाथ लेक अछि जार लेंथ होउछि पाखा पाखी 96.5 किलोमीटर आउ इंडिया रो लॉन्गेस्ट लेक ओटा भेमनाथ लेक जोटा कि केरला रे अवस्थित 96.5 किलोमीटर जार दर्घ्य केबे हेतला रामसर साइट रे ना 2002 रे अमर कोन कराइ थला ताकु रामसर साइट हिसाब रे घोषणा कराइ थला क्लियर देन अछि कोन षष्ठम मुकटले जोटा कि अमर केरला रे अछि देन अछि अष्टम अष्टमुडी वेटलैंड ये भी अमर अगेन केरला रे अवस्थित ए तीनटा वेटलैंड अमर बहुत रे रहले केरला रे रहले बा रामसर साइट रहले केरला रे ता भितर इंपोर्टेंट होची कोटा भेमनार लेक जोटा कि इंडिया रो लॉन्गेस्ट कोन ना लेक जार लेंथ होची 96.5 किलोमीटर आउ 2002 रे आपको रामसर साइट हिसाब रे घोषणा कराय छ देन मोस्ट इंपोर्टेंट आ सबुठारो अधिकार रामसर साइट जदी कोड प्रेजेंट होची से होची हमर कोटी ना तमिलनाडु रे प्रेजेंट होची टोटल ऊपर तमिलनाडु रे हमर 14टा साइट अछि वेटलैंड अछि जोटा कि रामसर साइट हिसाब रे हम कोन कराय छी ना कंसीडर करा जाय छी आ एटा हाईएस्ट नंबर सबु स्टेट भितरे इ होछि सबटार हाईएस्ट जोटी तमिलनाडु रे सबटार हाईएस्ट नंबर अफ कोन अछंदी ना रामसर साइट्स प्रेजेंट अछंदी त देखि द तमिलनाडु रे जो हमर 14टा रामसर साइट अछंदी कोन कोन रामसर साइट प्रेजेंट अछंदी त फर्स्ट देख पालीकरनी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट देन आसी कोन वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी देन कारकिली बर्ड सेंचुरी अछि पिचबरम मैंग्रोव अछि तापर अछि वेलोर बर्ड सेंचुरी पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी चित्रगुड़ी बर्ड सेंचुरी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी गोटे कौन होची ना बामर रामसर साइड रे अछि ताबर अछि कौन भेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स
देन अच्छी भादुभर बैट सेंचुरी, देन अच्छी उदय मार्थनपुरम बैट सेंचुरी, कांजीर कुलम बैट सेंचुरी एंड एट लास्ट आमर कौन रहले ना कोंथकुलम बैट सेंचुरी। ए 14 टा आमर कौन होचंती ना केरला रे प्रेजेंट अछंती, जो सॉरी केरला कोजी तमिलनाडु रे प्रेजेंट अछंती, आउ एटा होजे मोस्ट बा मैक्सिमम नंबर ऑफ आमर जो रहले कौन ना आमर रामसर साइट्स रहले ओ स्टेट रु बिलोंग कोची ना केरला, टोटल ओवर केतरा अछि 14 टा अछि। क्लियर देन आउ जितिक रामसर साइट्स रहले बा जो डिस्ट्रिक्ट रामसर साइट रहले ता भीतर हमर उड़ीसा रहले, हमर पूर्व उड़ीसा रे जो पूर्व साइड रे जो गुडा रहले बा ईस्टर्न पार्ट रे रहले बा हमर नॉर्थ साइड रे जो गुडा रहले, एगुडा हमर डिस्कशन करि गेसले। आउ जितिक रहले हमर उड़ीसा रहले, आंध्र प्रदेश रहले, वेस्ट बंगाल रहले, तो सेटा को हमें नेक्स्ट पार्ट रे डिस्कशन करबा, काहे ना वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गेलै, तो नेक्स्ट पार्ट रे सेतिक डिस्कशन कर सला पर आउ रामसर साइड रे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अछि से गुडा को भी हमें डिस्कशन करबा। तो आई होप सेशन रे आपन मन को हेल्पफुल हेतु, यदि हेल्पफुल होउछि देन संग मन सहित शेयर करू, जे चैनल रे नुवा छन देन चैनल को सब्सक्राइब करि पारिबे। तो नेक्स्ट क्लास काली आसीबो, तो काली हमें 7:30 रे डिस्कशन करबा। आ गोटे जिनिस कहियो पुछौ छी, हमर जो जेटी रो हमर कोन अछि ना एग्जामिनेशन नोटिस आसी सलला, तो हमर डिस्कशन बंद थिला कहार ना हमरो जेटी रो जो रहला सीडी विभाग हमरो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो डिस्कशन बोन देला, तार डिस्कशन क्लास काली थारू स्टार्ट हो। ठीक अछि, तार टाइमिंग ग्रुप रे डिस्कस दे देबी, टाइमिंग दा हमरो टेलीग्राम ग्रुप रे दे देबी। आउ हमरो आ गोटे जिंस कह रहो छी, हमर जो स्मार्ट विद्यार्थी एप्लीकेशन अछि, स्मार्ट विद्यार्थी एप्लीकेशन ने हमें कोन करछु ना जो सीडी बी रो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट कोन करछु ना सीरीज लॉन्च करछु, जार कॉस्ट ओनली 60 रुपीज अच्छी, जो थे कि आम प्रोवाइड करचु कौन ना टोटल प्रत्येक जो 8 यूनिट रहा सीडीपी तो प्रति यूनिट मॉक टेस्ट बा प्रति यूनिट क्वेश्चन जितकी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन से पार बिट बाय बिट उभय आम कौन कर कलेक्शन हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टेट एग्जाम आउ कि आउ मैक्सिमम क्वेश्चन तो कौन रोज ना सीटी बहर रोज क्वेश्चन जो गुडाक इनक्लूडेड अच्छा तो ताको ऐड करछु बा टेस्ट सीरीज लॉन्च करछु, आपन चाहिले ताको देखिबे। तो फ्री टेस्ट भी हमर कोन अछि अवेलेबल अछि, फ्री टेस्ट अटेंड करंतु, आउ जदि भल लागो देन टेस्ट सीरीज को भी किनि पारिबे। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास से देखाबो विथ ए न्यू टॉपिक नो हमर ई जो टॉपिक ता चालतला ताको नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करियो, आउ तार क्वेश्चन आंसर भी हमें डिस्कशन करियो।